अगर आप ये चाहते हो कि घर पे एक्सरसाइज करके आप अपनी बॉडी बना पाओ तो ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना। इस वीडियो में मैं आपको वर्कआउट तो बताऊंगा ही, साथ में वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जो आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, और ये सारी चीजें आजमा के आप अपनी बहुत ही ज्यादा मस्कुलर बॉडी बना पाओगे। जो जो एक्सरसाइजेस बताऊंगा बड़े ही ध्यान से एक्सरसाइजेस को देखना और अपने घर पे परफॉर्म करना और अपनी बॉडी को मस्कुलर बना लेना। चलिए आते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज पे। देखिए, जब भी हम एक्सरसाइज करें तो शुरुआत में हमें अपनी बॉडी को थोड़ा सा गर्म करना होता है, थोड़ा सा वार्म करना होता है, तभी एक्सरसाइजेस का हमें फायदा मिलता है। तो पहली एक्सरसाइज हम जो करेंगे वो करेंगे स्पॉट रनिंग। स्पॉट रनिंग में आपको एक जगह पर ही खड़े होकर और हल्का सा रनिंग करना होता है, रनिंग जैसा पोस्चर परफॉर्म करना होता है। इससे हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत ही तेजी से गर्म हो जाती है, और ये जो पोस्चर है आपको केवल 30 सेकंड से लेकर 45 सेकंड तक करना होता है। इतनी देर में आपकी जो बॉडी है वो काफी ज्यादा वार्म हो जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की, जो कि आपकी लेग्स मसल्स को बहुत तेजी से ग्रो करती है, जिसे हम बोलते हैं स्क्वाट्स या जिसे हम दंड बैठक भी बोलते हैं। इस एक्सरसाइज को हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। ये एक्सरसाइज अगर आप लोग परफॉर्म करते हो तो आपके जो पैर, आपके जो लेग्स मसल्स है काफी तेजी से स्ट्रांग बनती है, आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है, उसी के साथ में आप जो खाना खाते हो वो आपकी बॉडी में सही से लगता है क्योंकि आपका प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ जाता है। आप जो प्रोटीन खाते हो वो आपकी बॉडी में सही से लगेगा और तभी आपकी बॉडी बनने में आसानी होगी। उसके बाद बात करते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज की, जिसको लगभग सभी लोग करते होंगे, जिसे हम बोलते हैं पुशअप्स। पुशअप्स कैसे लगाना है, इसके ऊपर पहले भी मैं वीडियोस बना चुका हूं, आई बटन में डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। अब देखिए, पुशअप्स में क्या क्या होता है। पुशअप्स भी हमें दो तरीके के करने चाहिए, एक तो हम नॉर्मल पुशअप करते ही करते हैं, उसके अलावा एक पुशअप हम करते हैं इनक्लाइन पुशअप, जिसे हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। इस पुशअप में हमें अपने हाथों को किसी ऊंची चीज पे रखना होता है और हमारे जो पैर होते हैं वो नीचे होते हैं, और इस पुशअप को परफॉर्म करने से हमारी जो चेस्ट मसल्स है वो काफी तेजी से ग्रो होती है। उसी के साथ में इसका दूसरा वेरिएशन होता है जिसे हम बोलते हैं डीक्लाइन पुशअप। डीक्लाइन पुशअप में अपने ऊपर के शरीर को हम नीचे रखते हैं और अपने पैरों को ऊंचाई पर रखते हैं, जिससे हमारी जो अपर चेस्ट होती है वो काफी तेजी से ग्रो होती है। इन दोनों एक्सरसाइजेस के आप लोगों को लगाने होते हैं, दो दो सेट लगाने होते हैं और 12-12 रिपीटेशन की। उसके बाद बात करते हैं अपनी चौथी एक्सरसाइज की, जो कि हमारे आर्म्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आप अपने हाथों को चौड़ा बनाना चाहते हैं तो इसके लिए ट्राइसेप मसल्स को ट्रेन करना बहुत जरूरी है, और घर पे अगर आप ट्रेन कर रहे हैं ट्राइसेप मसल्स को तो कुछ इस तरीके की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपके ट्राइसेप को बहुत तेजी से पंप करती है, उसके साथ में काफी कम समय में ये एक्सरसाइज मानी गई है जो घर पे आपके ट्राइसेप मसल्स को ग्रो कर सकती है। इस एक्सरसाइज के भी हमें करने होंगे 2 सेट और 12 रिपीटेशन के। उसके बाद आते हैं अपनी पांचवी एक्सरसाइज पे, जिस एक्सरसाइज को करके आप अपनी बैक मसल्स को, अपने बाइसेप मसल्स को काफी तेजी से ग्रो कर पाते हैं। इस एक्सरसाइज का नाम है चिनअप। देखिए, जब हम चिनअप्स करते हैं तो इसमें हमारा जो बाइसेप है वो भी ट्रेन होता है, और उसी के साथ में अगर आप लोग पुलअप्स मारते हो तो उससे आपकी जो बैक मसल्स है वो काफी तेजी से ट्रेन होती है। इन दोनों ही एक्सरसाइजेस को अपने घर पे हम किसी दीवार को पकड़ के या किसी रॉड को पकड़ के काफी आसानी से कर सकते हैं। इन दोनों एक्सरसाइजेस को करने से आपकी जो अपर बॉडी है वो काफी तेजी से ग्रो होती है। साथ ही इन एक्सरसाइजेस को अगर आप नहीं परफॉर्म कर पाते हो, पुलअप्स नहीं कर पाते हो, आई बटन में वीडियो डाल दूंगा, पुलअप्स करना सीख लो, क्योंकि अगर बॉडी बनानी है तो ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस हैं। अगर वो नहीं कर पा रहे हो आप तो आपकी बॉडी कभी नहीं बनने वाली, चाहे जितना प्रोटीन लेने लगो आप, चाहे जितना आप जिम जाने लगो। तो आई बटन में वीडियो देख लेना, पुलअप्स करना सीख जाओगे। उसके बाद में बात करते हैं अपनी 6th एक्सरसाइजेस की, जो कि हमारे कोर मसल्स के लिए, हमारी एब्स मसल्स के लिए बहुत जरूरी एक्सरसाइज है, जिसे हम बोलते हैं क्रंचेस, जिनको हम कुछ इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। देखिए, एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप अपनी कोर मसल्स को ट्रेन करते हैं तो आप अपनी बॉडी की बैलेंसिंग को ट्रेन करते हैं। मतलब आपकी बॉडी अगर बैलेंस में रहेगी, आपकी बॉडी की कोर, आपका बॉडी का एब्स स्ट्रांग होगा, तो आपकी जो ओवरऑल बॉडी है उसकी ग्रोथ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो
इसलिए ये जरूर कोशिश करें कि अगर आप अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं तो उसमें कोर मसल्स की एक्सरसाइज को जरूर इंक्लूड करें, जिसमें जो क्रंचेस है उनको हम बड़ी आसानी से अपने घर में कर सकते हैं। देखिए, जब आप क्रंचेस करें तो क्रंचेस के आपको कम से कम दो सेट तो करने ही चाहिए, और दोनों सेट में आप कोशिश करें कि 15 रिपीटेशन निकालें, तभी आपकी जो ये एब्स मसल्स है ये आपको ग्रो करने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए, अब हम ये बात कर लेते हैं कि इन एक्सरसाइजेस को हम किस समय करें तो हमारी बॉडी ज्यादा जल्दी बन पाएगी। देखिए क्या होता है, एक्सरसाइज करने का नॉर्मली दो समय लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, एक होता है सुबह का समय, एक होता है शाम का समय। यही दोनों समय सबसे अच्छे समय माने गए हैं अगर आप अपनी बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं और होम वर्कआउट करते हैं। लेकिन इन दोनों में भी सबसे अच्छा जो समय होता है वो होता है शाम का, क्योंकि क्या होता है, ये देखा गया है बहुत सी ऐसे रिसर्च में, ये पाया गया है कि शाम के समय हमारी बॉडी का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो थोड़ा बूस्ट पे होता है। तो अगर आप लोग इन एक्सरसाइज को घर पे परफॉर्म करना चाहते हो, अपनी बॉडी बनाना चाहते हो, तो कोशिश करो कि इन एक्सरसाइजेस को आप शाम को परफॉर्म करें, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। और इस बात का भी ध्यान रखना, मैं आपको बहुत बार ये बात बता चुका हूं कि जब हम वर्कआउट करते हैं तो हम अपने मसल फाइबर को ब्रेक करते हैं, और जब वो मसल फाइबर रिपेयर होते हैं तभी हमारी बॉडी बन पाती है। तो अगर आप अपने मसल फाइबर को तेजी से रिपेयर करना चाहते हैं तो मैं आपको एक चीज रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि है नेचर श्योर का मसल चार्ज टैबलेट। ये करता क्या है, सबसे जरूरी चीज जो आपने वर्कआउट करते समय अपने मसल फाइबर को ब्रेक किया है, उन मसल फाइबर को रिपेयर करने में ये आपकी मदद करता है। उसी के साथ में आप सभी को पता है कि मसल्स बनाने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत होती है, तो जो भी हम अपनी डाइट में प्रोटीन लेते हैं उस प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। मतलब हमने कोई भी चीज प्रोटीन वाली खाई या कोई भी अपनी डाइट ली और उसके बाद में अगर हम मसल चार्ज टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन है वो हमारी बॉडी में बढ़ जाता है, जिससे जो भी हम खाना खाते हैं वो सही से हमारे शरीर में लगता है, जो हमारी मसल्स ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। उसी के साथ में ये आपकी मसल से पेन को रिलीव देता है। मतलब अगर आप वर्कआउट आज कर रहे हैं और अगले दिन आपकी बॉडी में आपकी मसल्स में बहुत ज्यादा सोरनेस है, बॉडी में बहुत ज्यादा थकान है, तो ये आपकी बॉडी में आपको एनर्जी देता है, जिससे आप अपने अगले दिन का वर्कआउट सही से कर पाओ। क्योंकि अगर हम सही से वर्कआउट करेंगे तभी हमारी मसल्स ग्रोथ हो पाएगी। नेचर श्योर का मसल चार्ज पूरी तरह से हर्बल प्रोडक्ट है और ये जीएमपी, आईएसओ और उसके साथ में आयुष द्वारा सर्टिफाइड है। तो इसका ये मतलब है कि ये हमारी बॉडी के लिए पूरी तरह से सेफ है। कैसे इस्तेमाल करना है नेचर श्योर का मसल चार्ज टैबलेट, मैं आपको ये भी बता देता हूं। आप लोग जब भी वर्कआउट करो, वर्कआउट के बाद में, मतलब मैंने आपसे पहले ही बताया कि शाम को वर्कआउट करना अच्छा होता है आपके लिए, तो शाम का वर्कआउट करके आपने जैसे ही खत्म किया उसके बाद में जो भी डाइट आप लोग लेनी है उस डाइट को लोगे, और उसके बाद में आप लोग एक ग्लास हल्के गुनगुने दूध के साथ में आप लोग इसके एक टैबलेट का इस्तेमाल करोगे। उसी के साथ में नेक्स्ट डे सुबह जब आप लोग ब्रेकफास्ट करोगे, ब्रेकफास्ट के बाद में एक ग्लास हल्के गुनगुने दूध के साथ में आप लोग दूसरे टैबलेट का इस्तेमाल करोगे। मतलब रोज आपको इसके दो टैबलेट्स का इस्तेमाल करना है, तो आप लोग देखोगे कि समय के साथ में आपकी मसल्स ग्रोथ बढ़ जाएगी और जो भी आपको सोरनेस रहती है, जो भी आपको पेन रहता है बॉडी में, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और रिकवरी बढ़ जाएगी आपकी मसल्स की, जिससे आप तेजी से अपनी मसल्स ग्रोथ को कर पाओगे। मैं आप लोगों को नेचर श्योर के मसल चार्ज टैबलेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप लोग इसे एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। उसी के साथ में अगर आप लोग मसल चार्ज टैबलेट के बारे में और चीजें जानना चाहते हैं या कोई भी अगर आप लोग कंसल्ट लेना चाहते हैं डॉक्टर से, तो आप लोगों को नेचर श्योर प्रोवाइड करता है फ्री डॉक्टर कंसल्टेंट, जिसका मैं आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस फॉर्म को फिल करके आप लोग डायरेक्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर पाओगे, डायरेक्ट आप लोग को नेचर श्योर की तरफ से कॉल आएगी, जिससे आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसी के साथ में इन एक्सरसाइजेस को जब आप परफॉर्म करें तो उससे कम से कम 30 मिनट पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है कि प्री वर्कआउट मील लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। मतलब मान लीजिए आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं तो उससे 30 मिनट पहले आप कुछ ना कुछ जरूर खाएं। ऐसी चीज खाएं जिसमें हाई कार्बोहाइड्रेट हो, जैसे आपका बनाना हो गया, आप अगर आपका वेट कम है तो आप आलू खा सकते हैं, अगर आपका वेट नॉर्मल है तो आप लोग कॉफी पी सकते हैं जिसमें कैलोरीज आपको नहीं मिलेगी, लेकिन आपको वो बॉडी में बहुत ज्यादा बूस्ट देगा जब आप एक्सरसाइज करने लगेंगे। तो ये सारी चीजें आप करके रखें, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज करें। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि जब इन एक्सरसाइजेस को आप परफॉर्म कर लें, उसके बाद आपको मैक्सिमम 10 मिनट के बाद में आपको हाई प्रोटीन वाली कोई ना कोई चीज जरूर खानी चाहिए। अगर आप प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं तो वो ले सकते हैं, अगर आप लोग अंडे खाते हैं तो वो ले सकते हैं, अगर आप लोग घर का कोई खाना खाते हैं, अगर आप लोग दाल ले सकते हैं तो दाल में भी बहुत अच्छा प्रोटीन होता है, और नहीं तो प्रोटीन पाउडर बनाना भी मैंने आपको सिखाया है, आई बटन में वो भी वीडियो डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन
डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको भी देख लेना। वो जो मैंने आपको शेक बनाना सिखाया है घर पे प्रोटीन पाउडर का, वो आप बना के पी सकते हैं, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो दोस्तों ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, आप ये करके देखें और आप बहुत ही कम समय में अपनी बॉडी, अपनी मसल्स को बना पाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बॉडी बनाने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आप जितने लोगों की भी अच्छी बॉडी देखते हैं, उन्होंने कुछ समय दिया है, उन्होंने निरंतर वर्कआउट किए हैं, तभी उनकी बॉडी बन पाती है। जितने भी आप वर्कआउट करें अपने पूरे मन से करें और उन एक्सरसाइजेस में, उन वर्कआउट्स में अपनी पूरी इंटेंसिटी डालने की कोशिश करें। देखिए क्या होता है, जब भी अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज में इंटेंसिटी नहीं है तो आपकी बॉडी नहीं बन पाती है। जो आप खाते हो, जो आप प्रोटीन लेते हो, वो आपके शरीर में नहीं लगता है, क्योंकि आपकी मसल्स को बड़ा बनने के लिए चाहिए होता है शॉक। शॉक का मतलब है कि जब आप उसको तोड़ते हो, एक्सरसाइज करते हो, अपनी मसल्स फाइबर को ब्रेक करते हो, तभी उसे बड़ा बना पाते हो। तो इस बात का ध्यान रखना, निरंतर बने रहना, आपकी बॉडी जरूर बन जाएगी। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, उन्हें भी इन होम एक्सरसाइजेस के बारे में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।